दोस्तों, देश में सबसे पहली ट्रेन बोरीबंदर स्टेशन से लेकर थाने के बीच में चली थी और 1887 में बोरीबंदर स्टेशन को रिप्लेस करने के लिए CSMT स्टेशन या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का निर्माण हुआ था। आज ये रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल दिन में 6.5 लाख लोग करते हैं और स्टेशन में दिन में तकरीबन 1200 ट्रेनें आती और जाती है। यहाँ पर टोटल 18 प्लेटफॉर्म्स हैं और अभी 132 साल बाद में स्टेशन को अपना सबसे बड़ा मेकओवर मिलने वाला है, तो इसकी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, CSMT स्टेशन एक काफ़ी क्लीन और पैसेंजर फ्रेंडली बनाने के साथ साथ यहाँ पर होने वाली कमर्शियल एक्टिविटी को बढ़ाने का भी एम हमारी IRSDC ने कहा है। इसके लिए पहले ये काम होगा कि जितनी अननेसेसरी बिल्डिंग CSMT के पास में बनी है उन्हें हटाया जाएगा। प्रिसाइसली कहे तो 1930s के बाद में जो भी यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई गई है CSMT स्टेशन के प्रेमाइसिस में उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि CSMT सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर है और इसके कारण बहुत ज्यादा ऑफिस यहाँ पर रेलवेज ऑपरेट करता है जहाँ पर हजारों लोग रोज काम करते हैं। लेकिन ये बिल्डिंग्स जो मेन स्टेशन की हिस्टोरिक बिल्डिंग है उससे बहुत ज़्यादा दिखने में अलग है और किसी टिपिकल बेसिक ऑफिस बिल्डिंग की तरह रुकते हैं और इसके कारण बहुत ज़्यादा जगह भी यहाँ पर वेस्ट होती है। तो इन्हीं ऑफिसेस को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ पर भाईकला में जो रेलवेज की दूसरी ज़मीन है वहाँ पर इन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा और इसके बाद में कुछ ऑफिसेस को वाड़ीबंदर इलाके में शिफ्ट किया जाएगा। दोस्तों, ये स्टेशन एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और CSMT की मेन बिल्डिंग की विंडोज़ क्लीनिंग, उसका रिप्लेसमेंट, इसके साथ साथ इसका जो भी स्टोन फसाड है उसकी पावर वॉशिंग कुछ समय पहले ही की गई है। इसके कारण हिस्टोरिक बिल्डिंग्स के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और उन्हें जैसे का वैसा रखा जाएगा। अगला मॉडिफिकेशन इस स्टेशन में ऐसा आएगा, आज इस स्टेशन में टोटल 18 प्लेटफॉर्म है जिसमें सबर्बन सेक्शन जहाँ पर लोकल ट्रेन रुकती है वो भाग अलग है और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन वाला भाग है वो पूरी तरीके से सेपरेटेड है। तो इसी के चलते आगे जाकर भी इस स्टेशन में जो 10 प्लेटफॉर्म होंगे उन्हें 26 कोच की ट्रेन समा पाए इस लेंथ का बनाया जाएगा, जबकि 5 प्लेटफॉर्म्स को लोकल ट्रेन्स और सबर्बन सर्विसेज के लिए डेडिकेटेड रखा जाएगा। इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस ये आएगा कि अभी तक सारी की सारी सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर लाइन की ट्रेन्स को एक ही जगह पर एलोकेट किया गया था, लेकिन हार्बर लाइन की ट्रेन्स को इस रीडेवलपमेंट के बाद में जो पूरे स्टेशन का सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है उस तरफ डाल दिया जाएगा। इसके कारण हार्बर लाइन का जो टर्मिनस होगा वो वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन के टर्मिनस से अलग होगा। इसके साथ साथ अभी CSMT का जो सबर्बन भाग है वो पूरी तरह से कवर्ड है एक रूफ से, जबकि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स का ज्यादातर भाग है वो कन्वेंशनल स्टेशन की तरह प्लेटफॉर्म पर कवर्ड है जबकि ट्रैक्स पर से खुला है। लेकिन ये रूफ जो सबर्बन और लॉन्ग डिस्टेंस दोनों साइड पे है ये काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है और इन्हें अभी रिप्लेस कर जाएगा मॉडर्न फैब्रिक से बनी हुई रूफ के कारण। साथ में जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला भाग है उसमें एक फ्रेंच इंस्पायर्ड मल्टी मॉडल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें लंबे लंबे पिलर्स, विक्टोरियन स्टाइल वगैरह का भी यूज़ किया जाएगा ताकि जब कोई ट्रेन इन स्टेशन में एंटर करे तो उस टाइम पे एक ग्रैंड रेलवे स्टेशन में उस ट्रेन की एंट्री हो रही हो ऐसा फील आए। साथ साथ पैसेंजर्स के लिए स्टेशन में ही एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके कारण लास्ट माइल कनेक्टिविटी, दूसरे ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस, होटल्स, कमर्शियल फैसिलिटीज़ ये सब की सब स्टेशन के ही मेन एरिया में लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इस रीडेवलपमेंट में जितना कंस्ट्रक्शन होगा जिसमें पिलर्स, बीम्स, विंडोज, ये सब कुछ पूरी तरीके से हिस्टोरिक चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा और कोई भी मॉडर्न और हिस्टोरिक आर्किटेक्चर का यहाँ पे आपको क्लैश नजर नहीं आए। इस पूरे स्टेशन की तकरीबन कीमत 1642 करोड़ बताई गई है और पूरे डेवलपमेंट के लिए 4 साल का समय रेलवे को लगेगा। इसके बाद में CSMT ना सिर्फ एक सुंदर स्टेशन बनेगा बल्कि क्राउड मैनेजमेंट, टूरिज्म और एक बेटर ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए ये स्टेशन काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा इसके आज के कंपैरिजन में। इसकी पूरी डिटेल्स अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन जैसे ही इसके बारे में और डिटेल्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस फाइनल होती है उसके रिलेटेड मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलेंगे अगले वीडियो में।